Hello everyone, good afternoon to all. Welcome to my class and on an academy which is India's largest learning platform. So guys, some technical issues यहाँ पर हो गए थे, अभी उनको resolve कर दिया गया है. तो हम starting से जो है हमारा class करेंगे आज, जो कि modern world history पर होगा. ठीक है guys, so join me as soon as possible. और आज हम मैराथन सेशन में कौन से टॉपिक कवर्स करने जा रहे हैं, ये लिस्ट आप देख रहे हैं. हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे. सो जॉइन मी एज सून एज पॉसिबल, राइट. और अभी आप देख रहे हैं आइकॉनिक प्राइस हाइक जो है बहुत जल्द ही आपके लिए हाइक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड में है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड कराए जाते हैं. तो ये आप जल्द से जल्द जो है अपना ऑप्ट कर ले, एनरोलमेंट कर ले. और 21 प्रीलिम्स भी जो है आपके लिए 6 महीने ही बचे हैं. और 21 दिसंबर से जो है 21 दिसंबर से आपके लिए प्रीलिम्स का एक 6 मंथ्स बैच आ रहा है. आप इसके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा. पीडीएफ जो है स्टडी मटेरियल के लिए दी जाएंगी, और आपका जो है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए होंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए भी. ठीक है, और ये देखिए आपके 3 तरह के बैचेस होते हैं. बायलिंगुअल मिशन, लक्ष्य हिंदी, एक्सपेडिशन इंग्लिश. ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 21 प्रीलिम्स के लिए. फिर 22 के लिए प्री और मेंस दोनों बैच जो है वो भी 21 दिसंबर से हो रहे. 23 के लिए प्री प्लस मेंस का बैच, कंप्लीट जीएस बैच फॉर प्री और मेंस कोर्स के लिए. ये भी आपका जो है, आप जिस भी कोर्स के लिए जो है एनरोलमेंट करना चाहते हैं, आप इसके लिए जा सकते हैं. सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अलोंग विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप किस तरीके से जुड़ेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जिससे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी. ठीक है, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर होगी, जहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा कोर्स यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, और क्लास के फॉर्मेट में किया जाएगा आपको. और यहाँ पर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो लाइव टेस्ट और क्विजेस होंगे, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगी. 1 सब्सक्रिप्शन से ही आपको सारे जो है, अगर आप जनरल स्टडीज के लिए यहाँ पर जाते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, जितने भी जनरल स्टडीज के सेगमेंट है, आप सबके लिए जो है यहाँ पर जा सकते हैं. क्योंकि ये सारा कोर्स यहाँ पर आपको अपडेटेड मिलेगा. ठीक है, अपडेटेड कोर्सेज, जितने भी नए नए कोर्सेज आते हैं, अपन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जाए. ठीक है, और इसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप मेरा रेफरल कोड प्लस के लिए जाएं, आप जो भी आप 1 ईयर 2 ईयर वो सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा. फिर आप मेरा रेफरल कोड किरण 1 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो आपको 10% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा. राइट गाइस, और दिस इज अबाउट मी, दिस इज माई टेलीग्राम लिंक. आप मुझे यहाँ पर कंसर्न मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है यहाँ पर लिंक मिल जाएगा. एंड दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट, यू नो, आप इस तरीके से जो है मुझसे जुड़ सकते हैं. देयर आर 100+ टॉप एजुकेटर्स हेयर फॉर यू, दे आर रियल ओशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, आप इनकी नॉलेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जो आपसे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मात्र ही दूर है. ये आपके लिए 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल के आपको मिलेंगे. बेसिक कैसे, आपको एनसीईआरटी की समरी मिल जाएंगे यहाँ पर, 6 to 12th तक की. आपका जो ज्यादा बुक्स पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, वो आपका यहाँ पर मैनेज हो जाएगा. साइंस टेक्नोलॉजी, एडवांस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज आपके, मतलब ईच एंड एवरी थिंग यू विल गेट हेयर. राइट गाइस, सो सून यू कैन ज्वाइन. एंड ये आपके लिए प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इनके लिए जा सकते हैं. 10% ऑफ हो जाएगा. मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे, प्रभात कुमार. हेलो प्रभात, वेलकम टू माय क्लास. और ये आपके लिए आइकॉनिक
प्लान है, इसके लिए भी आपको 10% ऑफ हो जाएगा, लेकिन अभी इसके प्राइसेस जो है हाइक होने वाले। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड, एक टीम के साथ, एक जो आपके एजुकेटर्स की टीम होगी उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइडेड होंगे, जो आपका स्टडी प्लान करेंगे, आपका डेली मेन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएंगे और आपको पर्सनल फीडबैक भी देंगे। मतलब एक तरीके से कम्प्लीट आपको जो है तैयार किया जाएगा अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, राइट। और ये देखिए ऑप्शनल के लिए है, अब जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। अभी कॉम्बो भी आया है, ठीक है, कॉम्बो भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा रेफरल कोड से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% हो जाएगा। सो दिस इज द मैराथन सेशन ऑन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, और यहाँ पर जो मेजर टॉपिक्स होंगे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के, ये देखिए आप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सारे टॉपिक्स आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये देखिए आप, सिलेबस जो हमारा दिया गया है जनरल स्टडीज पेपर वन में, हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस मेंशन है, और जिसमें इवेंट्स, फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी फ्रॉम 18th century, लाइक वर्ल्ड वार्स हो गए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, लेकिन ये ना सिक्वेंस में नहीं दिया गया है, राइट, कॉलोनाइजेशन, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, डीकोलोनाइजेशन, पोलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, है ना, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको, राइट। नेक्स्ट जो है, मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब तक वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो भी हम करेंगे, और ये सोर्सेज देखिए आपको, कौन सी लिस्ट ऑफ बुक्स आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। गो थ्रू द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट वन एंड पार्ट टू, अर्जुन देव ओल्ड एनसीईआरटी बुक, और ए वर्ल्ड हिस्ट्री बुक बाय कृष्णा रेड्डी, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लॉबे, एंड थीम्स ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि 12th standard की, और एनसीईआरटी बुक फॉर हिस्ट्री, आप ये जो है बुक्स पढ़ सकते हैं। जो बच्चे ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और प्रिलिम्स और मेन्स के लिए, दोनों एग्जाम के लिए ये बुक्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगी, राइट गाइस। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो देखिए आप किस तरीके से, ठीक है। तो 2013 में ये सिलेबस ऐड किया गया था, तो 13 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। देखिए 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड बनाया है, कैसे फाउंडेशन को रखा है अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, ये हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, ठीक है। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, ठीक है, जानकारी होगी, राइट गाइस। और इसके अलावा 16 में देखिए, 17 और 18 में जो है कोई क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आया था, और ये 16 में देखिए, द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलिट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स, तो इसके बारे में हमें बताना है, राइट। और नेक्स्ट चलते हैं 15 में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी, ऐसा क्या रीजन था, राइट, पीस वर्ल्ड, जय हिंद मैम, ठीक है। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल देयर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो भी इवेंट्स हुई है मिड 18th century की, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो सोशल इम्पैक्ट की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इज दैट क्लियर टू यू, एंड किस तरीके से इसको कंपेयर करेंगे एट दैट टाइम, जो इंडिया में सिचुएशन हुआ करती थी, तो उसको हम, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम पर इंडिया में था, तो कैसे इंडिया में जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था इंडिया उस तरह, एंड टू वट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टू वर्ल्ड वार्स, तो वर्ल्ड वार से क्वेश्चन आया है यहाँ पर, तो जर्मनी यहाँ पर दोनों
वर्ल्ड वार के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जर्मनी मतलब इतना इगोइस्टिक कंट्री उस टाइम पे हुआ करता था, इतना ऑथोरिटेटिव हुआ करता था कि इसने वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार करवा दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार करवा दिया, राइट। और इसको बताना है कि कहाँ तक वो जिम्मेदार है, राइट। उसके बाद 14 में क्वेश्चन आया था, व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड व्हिच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया, है ना। मतलब अमेरिकन रिवॉल्यूशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे, रशियन रिवॉल्यूशन कैसे, इन सारी इवेंट्स का जो है इंडियन जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल चला था उस पर क्या इंपैक्ट आया। व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू स्वेज क्राइसिस 1956 में। स्वेज जो है एक कैनाल है, एक नहर है, तो स्वेज नहर का जो है एक क्राइसिस हुआ था जिसने और किस तरीके से ब्रिटेन की इमेज एक वर्ल्ड पावर के तौर पर जो है यहाँ पर थी एंड उसको किस तरीके से डील किया था, तो ये सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग टॉपिक वाइज। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में लेनिन ने जो अडॉप्ट करी थी, स्पेशली मिक्स्ड मिक्स्ड जो इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है साइमल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट अलोंग विद पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का जो एग्जिस्टेंस होता है, या आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो है रशिया से ही ऑप्ट किया था, राइट। 2013 में देखिए, लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व्ड सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्कली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड, राइट। आई थिंक अरविंद कुमार मोदी, गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट लेट मी कंफर्म दैट माय वॉइस इज कंप्लीटली ऑडिबल टू यू। राइट, तो जापान में किस तरीके से लेट आई थी, और अफ्रीका वाज जो है अफ्रीका वाज चॉप्ड इनटू स्टेट्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द एक्सीडेंट ऑफ यूरोपियन कंपटीशन। देखिए यहाँ पर जर्मनी होता है, स्पेन होता है, फ्रांस होता है, इंग्लैंड होता है, और यहाँ पर ठीक है ये पावर्स जो है आपस में अफ्रीका को बांट लेती है कि ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, तो इस तरीके से, तो इस चीज को दिखाया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बेसिकली किस तरीके से कॉलोनाइज्ड किया गया था, तो आपसी कंपटीशन को लेकर, यूरोपियन कंपटीशन को लेकर, तो वो सारा चीजें जो है हमें यहाँ पर शो करना है किस तरीके से, राइट। रजत माथुर, ठीक है, नहीं बच्चे यहाँ पर कोई बाइक नहीं है, ठीक है, और बाइक अगर कोई होगी तो जा रही होगी, रोड पर है जो है मेरा घर। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। देखिए अमेरिकन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके से मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। तो ग्रेट जो कि 1929 में आया था, जो कि आउटकम था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुई है जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल था, कॉन्टिनेंटल था, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पर ये देखिए आप स्टार्टिंग यानी कि प्रोडक्शन थ्रू मशीनरी, यहाँ पर ये बेसिक रीजन था। पहले जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे, है ना, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से 2015 में क्वेश्चन आया था कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, और जो है किस तरीके की क्वालिटी लाइफ जो है लोगों ने उस टाइम पे फील की थी। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर आपसे पूछा गया डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल देयर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप यहाँ पर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट और डिक्रीजमेंट दोनों बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर अगर अच्छी चीजें हुई हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हुई थी, पॉवर्टी भी हुई थी, एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ था, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसी को यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम ज्यादा चीजें फोकस करेंगे पॉजिटिव चीजों पर, ठीक है। तो एनालिटिकल क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब जो है, या क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि यू हैव टू शो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नो, यू हैव टू शो हेयर द सॉल्यूशंस। अगर आपको क्रिटिकल इवैल्यूएट करने बोला है, इसका मतलब यहाँ पर आप यूपीएससी को क्या बताएंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे फॉर द नेगेटिव ट्रेड्स, ठीक है। तो ये बताने के लिए नहीं बोला है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खराब थी, इससे एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इससे गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो गए, तो ये चीजें नहीं बताएंगे हम, जो है पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेंगे। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर टू यू? राइट। ठीक है गाइस, तो चलिए समझते हैं फिर ये लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जापान में कैसे आई, कौन से फैक्टर थे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये देखिए मशीनें दिखाई गई हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। राइट। द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स जॉर्ज मिचलेट इन फ्रांस एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन जर्मनी, ठीक है। इन्होंने इस वर्ड को यूज किया था, द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, ठीक है। तो इट मीन्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलेंगे, IR इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल ड्यू टू साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई, टेक्नोलॉजी हुई, कुछ रिसर्च हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, ठीक है। एंड दिस मेथोडोलॉजी और दिस ट्रेंड इज कैटेगराइज्ड एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओके। एंड इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड बिटवीन 1760 टू 1820, ठीक है। तो इस टाइम के बीच में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से जो है कुछ बदलाव आए, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बहुत सारे उसके जो है इम्पैक्ट देखने को मिले थे। एंड सिमिलर चेंजेस अकर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज एंड इन द US, तो इसके जो इम्पैक्ट थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, दे वर कॉन्टिनेंटल और द ग्लोबल,
ओके और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही आगे चलकर कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है, ठीक है। और कैपिटलिज्म आगे चलकर किसको बढ़ावा देगा? ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन हेल्प करेगा जो है मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, जिसने वर्ल्ड को क्या बना दिया है? मॉडर्न वर्ल्ड बना दिया है। द वर्ल्ड बिकम मॉडर्न, राइट। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज। तो कहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है? सोसाइटी पर एंड ऑल्सो ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो दे जो कंट्रीज थे उनकी उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, क्योंकि जैसे ही नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो इससे क्या होता है? दूसरे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, प्रोफेशनल जो है यहाँ पर एक नया सेक्शन उभर कर सामने आता है प्रोफेशनल्स का, ठीक है, जिसमें आईटी सेक्टर्स, ये बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल कर आती हैं, ठीक है, जिन्होंने सोसाइटी को एक एडवांस्ड सोसाइटी बनाया, लिटरेसी को बढ़ावा दिया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेस को बढ़ावा दिया। एंड दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंग्लैंड इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज, राइट। तो इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ये फेज था, जिसे IR का नाम दिया गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम दिया गया, एंड इट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी, क्योंकि इससे पहले वो मशीनें नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, केवल सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्शन किया जाता था, जिसमें इतनी अच्छी खासी क्वालिटी नहीं आती थी। तो जैसे ही यहाँ पर इन मशीनों का इन्वेंशंस किया गया, टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया गया, तो सारी चीजों की जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिली। एंड दीज मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ मैसिव स्केल कंपेयर्ड टू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उनके कंपैरिजन में मशीनी और टेक्नोलॉजी के यूज से यहाँ पर जो प्रोडक्शन था वो बहुत मैसिव स्केल पर हुआ। एंड दिस फेज इज कॉल्ड द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इज दैट क्लियर टू यू? राइट। एंड देर वर चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज, राइट। तो बेसिकली जो मेन इंडस्ट्रीज उस टाइम पे थी जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया गया, वो थी यहाँ पर कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज, राइट। स्टीम, अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, बिगैन टू बी यूज्ड ऑन ए वाइड स्केल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बेसिकली द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, कैसे, ठीक है, किस तरीके से स्टीम इंजन की इन्वेंशन ने, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट, ठीक है। तो जेम्स वॉट ने जो है इसको इन्वेंट किया। इसने क्या किया? अब ये स्टीम इंजन जो था इसको रेलवेज में लगा दिया गया, ठीक है, और इसको जो इनके नेवल शिप्स हुआ करते थे वहां पर यूज किया गया। एंड इट मेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसने क्या कर दिया? इसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को बहुत इजी और फास्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स बहुत आसानी से लाया जा सकता था, और प्रोड्यूस जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करती थी उनके उनको मार्केट तक आराम से पहुंचाया जा सकता था। ये बहुत ही नई चीज थी, ये हमें आज सुनने में बहुत कॉमन लग सकती है, बहुत ईजी लग सकती है कि अरे यार क्या हो गया, रेलवे आ गया तो शिप आ गए तो, लेकिन जो जो चीज पहली बार हुई थी, तो जब उस टाइम पे जो है चीजों को जब आसान होते हुए पूरी दुनिया ने देखा था, तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्चेस के कारण ही ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो पाई थी, राइट। नेक्स्ट थिंग, इट्स यूज लेड टू फास्टर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जो स्टीम इंजन था उसने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन को जो है इजी कर दिया, जो शिप्स और रेलवेज। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ए ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर सम। तो किसी सेक्शन के लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आया, बट इन द इनिशियल स्टेजेस मेनी पीपल इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन हैड एक्सपीरियंस्ड पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। जब इस तरीके की कुछ नेगेटिव ट्रेड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देखे गए, तो इससे क्या हुआ, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने जो है प्रदर्शन किए और गवर्नमेंट को मजबूर किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। दीपक कुमार, वेरी गुड इवनिंग। तो क्या किया, गवर्नमेंट को एनफोर्स किया यहाँ पर टू इनेक्ट लॉज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। देखो यहाँ पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिला, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन आया होता और ना यहाँ पर फिर इस तरीके के नेगेटिव चीजें देखने को मिलती, ना गवर्नमेंट जो है अवेयर होती और ना इस तरीके के लॉ यहाँ पर बनते, ठीक है। तो
ये सारे चेंजेस जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से यहाँ पर इफेक्टेड है, राइट। अब देखिए कॉजेस फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अगर मैं कारण की बात करूं क्या कारण था, अब इंग्लैंड्स एडवांटेज, अब ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी ये, ठीक है, क्या कारण था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंग्लैंड में ही ऑब्जर्व किया गया, राइट। इंग्लैंड्स एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। एक बड़ा रीजन क्या था कि इंग्लैंड को जो एडवांटेज मिली थी वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से मिली थी, ठीक है। और ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, कोस्ट पर, ठीक है। टेम्स रिवर का बहुत बड़ा बेनिफिट, और दूसरा बड़ा बेनिफिट अटलांटिक ओशन का, राइट, जिससे वो एशिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पर जो है आराम से अपनी चीजों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। एंड द प्रेसिडेंस ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी थी इंग्लैंड में, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पर था, एंड न्यू इन्वेंशंस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, और ये कहाँ पर हुआ, ये भी इंग्लैंड में हुआ, नई नई इन्वेंशंस हुई। एंड द एंटरप्राइजिंग स्पिरिट ऑफ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि ब्रिटिश जो एंटरप्रेनर्स थे यानी कि बिजनेस टाइकून्स जो थे, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, दे आर बेसिकली हैविंग, यू नो, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स, लाइक हाउ, ओके, ग्रोथ ऑफ कैपिटल इन इंग्लैंड, ठीक है, किस तरीके से इंग्लैंड में कैपिटल का ग्रोथ हुआ, राइट। एंड कॉलोनियल पोजेशंस ऑफ इंग्लैंड विच सप्लाइड रॉ मटेरियल्स एंड सर्व्ड एज मार्केट्स, ठीक है। तो किस तरीके से जो है इंग्लैंड ने अपने कॉलोनियल पोजीशंस को यहाँ पर गेन किया था, और कॉलोनी से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता था, रॉ मटेरियल्स जो है उनको मिलता था, और जो है एक मार्केट की तरह वो सर्व करते थे। इज दैट क्लियर टू यू, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था साइंटिफिक इन्वेंशंस, स्पेशली इन टेक्सटाइल मशीनरी, राइट। द प्राइमरी कॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द साइंटिफिक इन्वेंशंस, ओके। द अर्लीस्ट मैकेनिकल इन्वेंशंस केम इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। एंड स्पिनिंग, तो टेक्सटाइल में अब स्पिनिंग की, वीविंग की, सीविंग की, ये सारी चीजें, उसकी बुनाई कटाई और जो है ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, स्पिनिंग वास। तो देखिए जब इन यहाँ पर मशीनें यूज होने लग जाएं तो चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल, तो कुछ इस तरीके की इन्वेंशंस थी जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, ठीक है, राइट। और इन 1764 हार्ग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी, दिस मशीन कुड स्पिन 8 थ्रेड्स एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ वन। आर्कराइट इम्प्रूव द स्पिनिंग जेनी इन 1769। कॉम्पटन इम्प्रूव इट स्टिल फर्दर 1779, राइट। इन 1785 कार्टराइट इन्वेंटेड द पावर लूम, ओके। वाइटनी एन अमेरिकन स्पीडेड अप द प्रोसेस विद अ कॉटन गिन विच ऑटोमेटिकली रिमूव्ड सीड्स फ्रॉम द फाइबर ऑफ द कॉटन। द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग मशीन, ठीक है, बाय इलियास होवे, ठीक है, सिलाई मशीन जैसे कहते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1846 में इसकी इन्वेंशन हुई थी, ठीक है। तो देखिए जब ये सीविंग मशीन हुआ था तो इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, जो ये रेडीमेड गारमेंट्स आज ये जितने भी टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं ना, जो लेवाइस हो गया आपका, है ना, मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में डेवलप हुआ था ना, वो इसकी बहुत बड़ी देन थी। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बड़ी थी, ठीक है, देखो कपड़े बहुत, वस्त्र उद्योग बहुत फेमस था इंग्लैंड का उस टाइम पे, है ना। देखो आपने जब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि विदेशी कपड़ों के का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों को जलाया जाता था, उनकी होली जलाई जाती थी। तो ये सारी चीजें जब होती थी तो इसका मेन रीजन जानते हैं क्या हुआ करता था, इन्हीं कपड़ों का बहिष्कार, क्योंकि ये इंडस्ट्री, यही तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का रिजल्ट था इंग्लैंड में, ठीक
ठीक है, तभी तो ऐसी चीजें हुआ करती थी यहाँ पर। तो ये जो वस्त्र उद्योग रेडीमेड हुआ करते थे, क्योंकि ये मशीनी थे, हमारे देश में कुछ इस तरीके की मशीनें नहीं थी, हमारे देश में वही ट्रेडिशनल तरीका था। लोगों ने अपने घरों में जो है अपनी जरूरत के जो है कपड़े बनाए जाते थे, और उन थोड़ा बहुत लेवल पर जो है उनको बेचा जाता था। अब क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी, मतलब उस तरीके से क्वालिटी जो एक फिनिशिंग होती है वो नहीं थी, ठीक है। जैसे हमारे देश में जब चाइनीज फोन आए थे तो किस तरीके से क्रेज बढ़ा था, क्यों बढ़ा था क्रेज, क्योंकि वो सस्ते थे, ठीक है, गाने वाने चलते थे, आवाज बहुत तेज थी, तो किस तरीके की चीजों को जो है इंडियन पसंद करते हैं, है ना, तो ये सारी सर्च की जाती है ना, तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं कहीं पर भी अगर आप मार्केट को बनाना चाहते हो तो, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो है मशीनें बनी थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्टीम इंजन, राइट। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन प्रोवाइडेड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, राइट। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो स्टीम इंजन का था, सिलाई मशीनों का था, इस तरीके की मशीनरीज जो इन्वेंट हुई ना। The first practical application of steam to machinery was made by James Watt in 1765. He devised the first closed cylinder with a piston pushed back and forth by steam. मतलब इस तरीके से ये वर्क करती थी, एंड दिस हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन टेक्सटाइल मशीनरी। तो ऑब्वियसली, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे जो पावर इस्तेमाल की जाती थी, जो एनर्जी थी, वो कॉस्टली नहीं थी। मतलब जैसे ऑयल से, गैस से ये चीजों को चलाया जाए, तो यहाँ पर स्टीम का इस्तेमाल किया गया, तो पानी बहुत बड़ी क्वालिटी में यहाँ पर, ठीक है, मिलता था, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, ठीक है, अच्छा, कोई बफरिंग तो नहीं हो रही ना, नहीं होगी बच्चे। डिवेलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, देर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द ब्रिंगिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एंड ऑन द डिस्पोजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन अ वाइड मार्केट, राइट। ठीक है, मैं अभी आपको कॉजेस पढ़ा रही हूं, कारण, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। राइट, एज लेट एज द 17th सेंचुरी हाईवेज वर पुअरली कैप्ट। ए पैक हॉर्स वॉज द ओनली पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रेवल ऑन लैंड, एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी जॉन मैकेडम, ठीक है, बिल्ट अ टाइप ऑफ हार्ड सरफेस रोड, यानी कि कंक्रीट रोड भी यहाँ पर डेवेलप किए जाने लगे, रोडवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए, राइट। कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी आई थी उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस आर मच डिपेंडेंट ऑन रैपिड एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। बिफोर द परफेक्शन ऑफ द टेलीग्राफ, करियर पीजन्स एंड सेमाफोर्स वर द स्पीडिएस्ट मेथड्स अवेलेबल, उस टाइम पे हुआ करते थे, राइट।
The electric telegraph depended upon earlier basic researches made by Faraday, Volt, Ampere and Franklin. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, वोल्ट कौन कितने वोल्ट का है, ठीक है, और एम्पियर धारा है ना, ये सब, ये सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे ये इंग्लैंड में थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था और उसकी यूनिट्स को निर्धारित किया था. एंड इट वॉज इन्वेंटेड इंडिपेंडेंटली इन जर्मनी, इंग्लैंड एंड द यूएस बाई स्टेनहेल, विटस्टोन एंड मूर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इस तरीके से जो है ये साइंटिस्ट ने इन चीजों को जो है बहुत ही इजी कर दिया था. टेलीग्राफिक इक्विपमेंट वाज वाइडली इंस्टॉल्ड आफ्टर 1845. तो टेलीग्राफ को एस्टैब्लिश कर दिया. ए केबल फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप वाज लेड अंडर द अटलांटिक ओशन इन 1866. ओके, द पेनी पोस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1840. The Universal Postal Union to aid international mail service was adopted in 1875. और 1876 में ग्राहम बेल invented the telephone. Is that clear to you? Right? Lighting. ठीक है. In industry, transportation, social activities, amusements and cultural pursuit, artificial light plays a very important role. 1784 में क्या हुआ है? Burner was devised for oil lamps, which was later used for kerosene lamps. तो ये lighting system, धर्मेंद्र यादव, very good evening धर्मेंद्र, ठीक है. तो ये इस तरीके से समझ लीजिए आप कितनी advanced lighting इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. और उस time पे kerosene lamps है ना, ये lighting ये यूज होती थी, लेकिन इसको किस तरीके से, गैस फॉर आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड वाइडली यूज्ड बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी. ठीक है, आपने देखा होगा उन चीजों को, ठीक है. डेवी इन 1821 वर्कड आउट द थियरी ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एडिशन. ठीक है, इन 1879 इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट. Iron and steel. The coal and iron industries replaced old technologies of wood, water and wind. Right? In 1709, Darby introduced coal for charcoal in blast furnace. ठीक है, तो ये क्या था, देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, इससे क्या हुआ, जो मशीनें बनी उसमें आयरन और स्टील का भी तो इस्तेमाल होता, तो ये इंडस्ट्रीज भी बहुत फ्लरिश होंगी, तो आयरन और स्टील की भी तो जरूरत होगी यहाँ पर, राइट. एंड जॉन स्मिटन इन्वेंटेड द ब्लास्ट फर्नेस विद अ रोटरी फैन, है ना. तो इस तरीके से मशीनें बनाने में जो है बेटर ग्रेड हो गया, ऑर्डरी, और जो ऑर्डिनरी कास्ट आयरन की जो जरूरत होती थी, तो रिजर्व्स इस तरीके के आयरन रिजर्व्स, पिग आयरन के रिजर्व्स जो है बहुत यहाँ पर हुआ करते थे, तो इसकी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई. मेटल रिजर्व्स बहुत सारे थे यूरोप में. हेनरी कोड एंड पीटर अनियंस इंट्रोड्यूस्ड पडलिंग एंड रोलिंग प्रोसेस, है ना, जो साइकिलिंग जिससे बनी थी साइकिल, तो ये पडलिंग और रोलिंग प्रोसेस, ठीक है. तो इन चीजों को, जो चेन होती है साइकिल की, चेन आपने देखी होगी ना, ठीक है, ऑब्वियसली चलाई भी होगी, राइट. एंड इन 1740 स्टील वाज प्रोड्यूस्ड एट शेफील्ड बाय हंट्समैन, पहली बार जो है स्टील बनाया गया. लेटर हेनरी बेसिमर इन्वेंटेड ए फास्टर एंड चीपर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील. एंड द फर्स्ट आयरन ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1777. द फर्स्ट आयरन शिप वाज मेड इन 1790. तो इस तरीके से आयरन और स्टील का यूज इंडस्ट्री में कैसे यहाँ पर किया गया था, ठीक है. तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो होगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है. तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स, राइट. डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, तो कुछ मेजर पॉइंट्स, किस 1492 में जो है अमेरिका की खोज हो जाती है, राइट. एंड कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द वॉर
डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ वॉर, ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन को करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका की डिस्कवरी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कोलंबस ने 1492 में क्या किया, ये निकले थे इंडिया की खोज में, लेकिन अमेरिका की खोज हो गई, ठीक है। जब अमेरिका की खोज हुई, पहली बार अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पता चला, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, तो यूरोपियन ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को क्या कहा, न्यू वर्ल्ड कहा, ठीक है। क्या कहा, न्यू वर्ल्ड, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पर सेटल डाउन होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन यहाँ पर आते हैं अमेरिका में और यहाँ पर अपनी कॉलोनी सेटल कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी कमर्शियल पर्पस को यहाँ पर जो है क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, राइट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, देर वॉज अ कॉन्टिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप, राइट। यूरोप से जो है लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, भाई नया वर्ल्ड था, टू द न्यू वर्ल्ड, क्योंकि इसे न्यू वर्ल्ड कहा, तो जाना स्टार्ट कर दिया। साउथ अमेरिका वॉज कॉलोनाइज बाई द स्पेन, ठीक है, क्योंकि ये स्पेन से ही थे कोलंबस, और साउथ अमेरिका को ही यहां पर खोजा गया था सबसे पहले, ठीक है। ब्राजील पहुंच गए थे, तो स्पेन ने जो है क्या किया, इस एरिया को कॉलोनाइज कर दिया। अब नॉर्थ अमेरिका का जब पता चला, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश आकर जो है अपना पलड़ा जमा लेते, अपने पाव जमाने की कोशिश करते हैं। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिका, एंड बाय द मिड 18th सेंचुरी द इंग्लिश हैड एस्टेब्लिश्ड देयर 13 कॉलोनीज अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, ठीक है। जैसे ये अटलांटिक कोस्ट है, ये अमेरिकन है, ठीक है, तो इस कोस्ट पे, ठीक है, यहाँ पर ये अपनी क्या करते हैं, 13 कॉलोनीज को एस्टेब्लिश कर लेते हैं।
ठीक है, लैंडलेस पीजेंट्स, पीपल सीकिंग रिलीजियस फ्रीडम, ट्रेडर्स यहाँ पर सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनिशियली द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कॉर्डियल। स्टार्टिंग में तो रिलेशंस ठीक थे ब्रिटिश कॉलोनीज के बीच में और अमेरिकन के बीच में। ठीक है, ऑल दो दीज कॉलोनीज वर कंट्रोल्ड थ्रू द गवर्नर्स, दे एंजॉयड पोलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, ईच कॉलोनी हैड इट्स ओन असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट इनेक्टेड लॉज कंसर्निंग लोकल मैटर्स। चलिए भाई कोई बात नहीं, राइट आगे की बात करते हैं। द पॉलिसी इज फॉलोड बाय द होम गवर्नमेंट ब्रिटेन हैड रिजल्टेड इन द कन्फ्रंटेशन। दिस अल्टीमेटली लेड टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ विच द कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट। देयर वर सेवरल कॉजेज फॉर दिस वॉर एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म। यही तो रीजन था। ठीक है, तो यहाँ पर मर्केंटलिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया। वट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटलिज्म, वट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म मीन्स कमर्शियल बेनिफिट्स, एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन्स। ठीक है, मतलब इनके अपने कमर्शियल बेनिफिट्स होने चाहिए, प्रॉफिट्स होना चाहिए, चाहे उसको अमेरिकन को चाहे कोई भी कॉस्ट देनी पड़े, उनका कितना भी लॉस हो जाए। ठीक है, और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग द कॉलोनीज, जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका में, एग्जिस्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री। यहाँ पे मदर कंट्री किसको कहा गया है? ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए ये 13 कॉलोनीज काम करेंगी। एंड द कॉलोनीज वर एक्सपेक्टेड टू फर्निश रॉ मटेरियल्स। इसके लिए केवल रॉ मटेरियल्स जो है यहाँ पर जो है फर्निश किया जाएगा। एंड दे हैड टू सर्व एज मार्केट्स फॉर द प्रोड्यूस्ड गुड्स। ठीक है, कि सिर्फ रॉ मटेरियल्स का सोर्स बने हमारे लिए और जो हमारी तैयार चीजें हैं उनको खरीदे। ठीक है, मतलब कॉलोनीज वर यूज्ड, दे आर एक्सपेक्टेड जस्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस, दे कांट डेवलप एनी इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं बच्चे। ठीक है, दी कॉलोनीज हैड टू शिप देयर गुड्स ओनली इन ब्रिटिश शिप्स। केवल वो ब्रिटिश शिप्स का ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बेनिफिट होना चाहिए। अगर अमेरिकन कॉलोनीज के कोई भी, यानी कि अमेरिकन जो है, अगर वो अपने गुड्स को बेचना चाहते हैं तो कौन सा शिप इस्तेमाल करेंगे? केवल ब्रिटिश। ये इनके लिए कंपल्सन था। एंड इन दीज वेज द कॉलोनीज वर एक्सपेक्टेड टू एड मोर वेल्थ टू होम कंट्री। ठीक है, The British government enacted laws to implement this policy of mercantilism, right? तो यही जो है policies जो है mercantilism, इसी के against में revolt हुआ था। तो ये सारे reasons हम अपने question में, अपने answer में लिख सकते हैं कि colonies were forced to use their British ships and they are expected to furnish raw materials and as a market for the British manufactured goods. एंड द मोलासेस एक्ट लेविड हैवी ड्यूटीज ऑन शुगर, जो छोटे छोटे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उन पर हैवी ड्यूटीज लगाई जाती थी। ठीक है, और ए सीरीज ऑफ ट्रेड एक्ट्स वर ऑल्सो पास्ड टू कंट्रोल द ट्रेड इन द कॉलोनीज, जैसे कि हैट एक्ट 1732 में क्या था, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में, हैट आप समझते हैं ना, टोपी। ठीक है, The Iron Act 1750 stopped the large scale production of iron in the colonies, and these acts were opposed by the colonies, right? उसके बाद देखिए ग्रानविल मेजर्स आए थे। ये भी बेसिकली क्या थे, दीज मेजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मर्केंटलिज्म पॉलिसी।
When Grenville was the Prime Minister of England, a series of acts were passed. और ये एक्ट भी कौन से कहलाए, मतलब एक तरीके से मर्केंटलिज्म पॉलिसी ही थी, ठीक है, और जिसने अमेरिकन कॉलोनीज के इंटरेस्ट को काफी अफेक्ट किया. ओके, द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 प्रोहिबिटेड द कॉलोनिस्ट्स फ्रॉम परचेजिंग लैंड्स बियॉन्ड अपलेशियन माउंटेन्स. The Sugar Act of 1764 increased the duties on sugar, which affected the interests of the colonies, right? And the Stamp Act of 1765 insisted on the use of British stamps in commercial and legal documents of the colonies, right? उसके बाद देखो क्वार्टरिंग एक्ट क्या था. ये बेसिकली डिफेंस के पर्पस के लिए था, डिफेंस के लिए, ठीक है, जिस एक्ट से ये कंपलसरी कर दिया था कि जो अमेरिकन्स थे शुड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू इंग्लिश ट्रूप्स, जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको फूड और शेल्टर प्रदान करेंगे. दीज मेजर्स वर सीवियरली अपोज्ड बाय द कॉलोनिस्ट, कि हम क्यों करें, ताकि ये सर्व करे जो है ब्रिटिश के लिए और इनको अफोर्ड करना जो है इजी हो जाए इस तरीके से, ठीक है. लेकिन ये सारी चीजें जो है कॉलोनीज की इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे थे, और इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अमेरिकन्स ने एक आवाज उठाई और इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन मांगा. इतने सारे टैक्सेस जो है यहाँ पर इनके ऊपर इम्पोज कर रखे थे, तो इन्होंने स्लोगन उठाया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जितने सारी ड्यूटीज, जितने सारे टैक्सेस आपने हम पर इम्पोज कर रखे हैं, हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे विदाउट रिप्रेजेंटेशन. वी शुड बी ग्रांटेड रिप्रेजेंटेशन, राइट. दस इंसिस्टिंग अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन इन द इंग्लिश पार्लियामेंट एज वायलेंस ब्रोक आउट इन द स्ट्रीट्स. और एक न एक दिन जो है ये वायलेंस हुई और स्टैम्प एक्ट को जो है इन्होंने रिपील कर दिया. देखो स्टैम्प एक्ट क्या था, कि कोई भी अमेरिका में बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो यू नीड टू ब्रिटिश स्टैम्प, है ना, मतलब जो इस चीज का सिंबोलिक था कि किस तरीके से जो है आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन, यानी कि अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ पर अपने एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की पावर थी. वो अपने आप को पावरफुल जो है यहाँ पर शो करना चाहता था. अब टाउनशेंड लॉज आते हैं, ठीक है, ये क्या लॉज आते हैं. चार्ल्स टाउनशेंड जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, इम्पोस्ट फ्रेश टैक्सेस ऑन ग्लास, पेपर, टी, पेंट्स इन 1767. इट वॉज नोन एज टाउनशेंड लॉज, राइट. दी अमेरिकाज अमेरिकन्स प्रोटेस्टेड इट एंड बायकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स. 5 मार्च 1770 को क्या होता है, 5 अमेरिकन्स को मार दिया जाता है. एक प्रोटेस्ट होता है बोस्टन में. देखो जैसे इंडिया में आपने सुना होगा एक जलियन वाला हत्याकांड, तो उसी तरीके से अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब हुई थी यहाँ पर भी कुछ एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी जो बोस्टन टी पार्टी के नाम से फेमस, ठीक है. अब ये बोस्टन टी पार्टी क्या थी, इसके लिए सुनिए, ठीक है. देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, मोस्ट इम्पोर्टेंट. इवेंट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन 73 में क्या होता है, एक नया टी एक्ट आता है, ठीक है. और इस टी एक्ट से क्या होता है, चाय के इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिया जाता है, जो इस चीज का सिंबल था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड द राइट टू टैक्स द कॉलोनीज, मतलब अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए. इसका विरोध किया ग्रुप ऑफ अमेरिकन ड्रेस्ड अप एज रेड इंडियंस, ठीक है. ये क्या किया इन्होंने, जो ब्रिटिश शिप्स थे उनके ऊपर चढ़ गए और वहां से टी के बंडल्स उठाकर समुद्र में फेंक दिए, और बोस्टन हार्बर जो बंदरगाह हुआ करती थी वहां की ये इवेंट थी, और ये 16 दिसंबर 1773 में हुआ था, ठीक है. इससे क्या हुआ था, जो ऑफेंडर्स थे इन्होंने जो इन अमेरिकन को जो रेड इंडियंस की तरह ड्रेसअप किया हुआ था, ऑफेंडर्स को क्या किया, गोली मारी, जिसमें 5 अमेरिकन जो है डेथ हो गई थी उनकी. और इस इवेंट के बाद जो है जो गुस्सा फूटा उससे उसने जो है फाइनली अमेरिका को आजाद करा लिया था, ठीक है.
और इसने यहाँ पर क्या किया था, जनवरी 76, क्या होता है जैसे ही बोस्टन टी पार्टी वाली इवेंट होती है तो जितने भी 13 कॉलोनीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आते हैं और वो इंडिपेंडेंस के लिए जो है यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और जनवरी 76 में थॉमस पाइन केम टू अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से आते हैं और एक पैम्फलेट इशू करते हैं कॉमन सेंस के लिए, राइट। एंड इट अटैक्ड द आइडिया ऑफ हेरिडिटरी मोनार्की एंड एडवोकेटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोर देन 1 लाख कॉपीज जो है इसकी बेची गई और लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के लिए जो है यहाँ पर उनको अवेयर किया गया। एंड इट इनकलकेटेड द फाइटिंग स्पिरिट एमंग द अमेरिकन। एंड ऑन 4 जुलाई 1776 द अमेरिकन डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए अमेरिका में जो है एक सिविल वॉर होता है, बेसिकली क्या रीजन था, ये डगलस हैं और ये हैं अब्राहम लिंकन, इनके तो अमेरिका में एक सिविल वॉर होता है बेसिकली। व्हेन अमेरिकन वॉन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड इन 1776, देयर वर 13 कॉलोनीज विच फॉर्म द फेडरल गवर्नमेंट। तीनों की तीनों मिलकर फेडरल गवर्नमेंट, जो ये 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, इन्होंने आपस में की एक सेंटर गवर्नमेंट, इसे कहते हैं फेडरेशन, ठीक है। यानी कि अनाथ बच्चे थे, एक पापा ढूंढ लिया, जिसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। कॉलोनीज एक्सपेंडेड फ्रॉम ईस्ट वेस्ट, ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट, फॉर्मिंग 34 स्टेट्स हो गए थे 1861 में। एंड देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट्स इन नॉर्थ एंड स्टेट्स इन साउथ विच रिजल्टेड इन अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भी जो है यहाँ पर मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और कंपैरिजन करने के लिए ये नहीं होता है बच्चे, किसी भी देश में अगर एक भी व्यक्ति की डेथ होती है लड़ाई, अपने देश की आजादी की लड़ाई के लिए, ठीक है, तो उसे शहीद ही माना जाना चाहिए। तो बोस्टन टी पार्टी में भी ऐसा नहीं है कि 5 ही मरे थे, ये तो एक ऑफिशियल काउंटिंग होती है। अगर अनऑफिशियली देखा जाए तो जलियन वाला हत्याकांड में 1000 से भी ऊपर डेथ थी और बहुत सारे फैमिलीज थे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो इमीडिएट कॉज था सिविल वॉर का वो था अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट अब्राहम लिंकन जो है जीत जाते हैं और ये स्लेवरी के अगेंस्ट में खड़े होते। बेसिक जो मुद्दा था वो था स्लेवरी, ठीक है। और जो अब्राहम लिंकन थे वो स्लेवरी की फ्रीडम के लिए जो है खड़े हो गए। और दूसरी तरफ थे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट। अमेरिका में दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक। स्टीफन आर्नोल्ड डगलस चाहते थे कि स्लेवरी लगातार रहे। अब रीजन क्या था इस स्लेवरी का, ठीक है, देखो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट यहाँ पर चल जाता है। देखो जो नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट हुआ करते थे ना, नॉर्थ के स्टेट जो हुआ करते थे वो इंडस ट्रायल थे, ठीक है, और जो साउथ के स्टेट थे वो एग्रीकल्चरल थे। अब एग्रीकल्चरल थे तो ऑब्वियसली स्लेवरी यहाँ पर होगी, क्योंकि बिग प्लांटेशन के लिए इनको मजदूरों की जरूरत होगी। स्लेवरी क्या हुआ करते थे, बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबरर्स हुआ करते थे वो, ठीक है। तो ये इनका अस्तित्व एग्जिस्टेंस तब रहता जब स्लेवरी रहती। तो साउथ के स्टेट ने स्लेवरी को फेवर किया, नॉर्थ के स्टेट ने कहा कि नहीं स्लेवरी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, दास प्रथा, दासत्व जिसे कहते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स वांटेड ए टैक्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, व्हाइल साउदर्न स्टेट्स वांटेड टैक्स फ्री ट्रेड विद ब्रिटेन, ठीक है। अगली बात, इंडस ट्रायल नॉर्दर्न स्टेट्स प्रेफर्ड पेड लेबरर्स। इन्होंने कहा कि अपना पेड लेबरर्स रखे, वाई जो एग्रीकल्चरल साउदर्न स्टेट थे उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास बड़े प्लांटेशंस हैं जो कि स्लेव लेबर पर डिपेंड है। स्लेवरी वॉज एबॉलिस्ड फाइनली इन नॉर्दर्न स्टेट्स एंड दे बिकेम फ्री स्टेट्स। लेकिन ये मुद्दा बहुत चलता रहता है, फाइनली जो है यहाँ पर जो है अमेरिकन में जो है स्लेवरी को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है,
जिसने इसी से इंस्पिरेशन ली थी। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन क्या थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी। ठीक है, मेजर पॉइंट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या थे और फ्रेंच फिलोसोफर्स का क्या रोल, फॉल ऑफ बेसिले क्या है, ठीक है, जो कि एक प्रिजन हुआ करती थी, प्रिजन कम फोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और किस तरीके से रिवॉल्यूशन का एंड होता है और फिर राइज ऑफ नेपोलियन। राइट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो है एक नया चैप्टर ओपन किया था इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुट एन एंड टू द एज ओल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्यूडल लॉस और सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, एंड इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म बेस्ड ऑन द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। These ideas had influenced the entire continent of Europe and also the world. ठीक है, French Revolution was a highly important event in modern European history that began in 1789 और end होता है 1790s में with the rise of Napoleon Bonaparte. ठीक है, दो time होते हैं यहाँ पर Napoleon Bonaparte के फ्रांस में। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रेंच सिटीजन्स रेज्ड एंड रीडिजाइन्ड देयर कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप अपरूटिंग सेंचुरीज ओल्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज एब्सोल्यूट मोनार्की एंड द फ्यूडल सिस्टम। कॉजेस क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉजेस थे। रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉज, सबसे बड़ा रीजन ये था कि फ्रांस में जो रूल हुआ करता था वो बॉबन डायनेस्टी का हुआ करता था, जो इस चीज में विश्वास करते थे, मतलब मोनार्की हुआ करता था यहाँ पर, एब्सोल्यूट मोनार्की था। राइट, डिवाइन राइट में, और जिसका मतलब क्या था कि Kings are the representative of God and they were answerable only to God. Louis XIV was a strong and powerful ruler of Bourbon dynasty. लेकिन उसने फ्रांस की इकोनॉमी को पूरी तरीके से रुइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वॉर्स लड़े, ठीक है, और जो इसके सक्सेसर्स थे लुई 15th और 16th, they were weak administrators, right? तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन तो पॉलिटिकल कारण ही था।
15th ने एक बात बोली थी अपने रूल के एंड में कि आफ्टर मी द डल्यूज, जिसका मतलब है कि ए नंबर ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर होंगी और उसके बाद जो है सच भी हो गए, ठीक है। तो जो लुई 16th था, ही वाज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट रूलर, और फिर ऊपर से उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोइनेट, वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करती थी, एंड शी वाज थोरोली इग्नोरेंट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द फ्रेंच पीपल, बट शी ऑलवेज फेवर्ड एंड प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंच नोबल्स, और इसने कोई फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए अलाउ नहीं किया, ठीक है। The French society was based on inequality, ठीक है, and the society consisted of three major divisions: nobles, clergy, and the common men. ये society वहाँ पर थी, ठीक है, और nobles और clergy को बहुत सारे privileges थे जिससे वो एक luxury की life जीते थे. They were exempted from the taxation. The higher clergy owned 1/5 of the lands in France and enjoyed several privileges, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था आम लोगों की सफरिंग का, ठीक है। पैलेशियल हाउसेस में रहते थे एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, बट द लोअर क्लर्जी वर डिनाइड ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो है मासेस जो आम लोग थे उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, क्योंकि टैक्स वो लोग पे कर रहे थे, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन फ्रांस बिलोंग टू थर्ड कैटेगरी, यानी कि जिसमें ट्रेडर्स, लॉयर्स, ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पीजेंट्स और वर्कर्स हुआ करते थे, एंड द नोबल्स एंड द क्लर्जी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस, और ये कुछ इस तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे जिनको कॉमन मैन पे करते थे या पीजेंट। सबसे ज्यादा बर्डन जो है पीजेंट और कॉमन मैन पे ही हुआ करता था। इसके अलावा हर एक फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली था, उसको एक कैपिटेशन फी, जैसे एक डोनेशन टाइप होता है ना कुछ इस तरीके का, जैसे कॉलेज में होता है कैपिटेशन फी डोनेशन टाइप, तो ये जो है रॉयल फैमिली को देना होता था। और इसके अलावा भी टिथे चर्च को टैक्स देना होता था, जो नोबल्स और क्लर्जी को एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो है जरूरी था। और इसके अलावा जो है एक तरीके से बंधुआ मजदूरी भी इनकी हुआ करती थी, बॉन्डेड लेबरिंग चलती थी। इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, क्रिटिकल थी लुई 16th के टाइम पे, क्योंकि टैक्सेशन जो मोस्टली जो प्रॉपर्टी थी वो दो सेक्शन के पास थी, नोबल और क्लर्जी के पास, और नेशनल डेट जो है बहुत ज्यादा अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़ गया था, रॉयल एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा थे, और नेशनल इनकम वाज लेस देन नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स बहुत थे लेकिन इनकम बहुत कम थी, एंड द किंग ट्राइड टू मोबिलाइज नेशनल इनकम बाय सेलिंग इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसे क्या किया कि सरकार के ही ऑफिस बेचना शुरू कर दिया था, ठीक है, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हुआ करते थे उनको भी हटा दिया था और दूसरे एक्सपर्ट को लेकर आए थे जो कि उनका एक तरीके से पपेट हुआ करता था, राइट। They tried to curtail royal expenditure and improve the income to the government, but their measures did not receive the support of the nobles. ठीक है, finally क्या होता है, कैलोन को पॉइंट किया जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, लेकिन जो है वो कुछ भी करने में असफल रहता है। फ्रेश टैक्स जो है उसने और लगा दिए, जिससे और ज्यादा देश की कंडीशन यहाँ पर खराब हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर लोगों का था ज्यादा बड़ा रोल, ठीक है। Role of the French philosopher. ठीक है, the writings and the preachings of French philosopher Montesquieu का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर, वोल्टेयर का और रूसो का, एंड रूसो इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, रूसो क्या थे, रूसो इज फादर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन।
मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक में लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज एडवोकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इनटू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी की एक अच्छी फंक्शनिंग हो. इन विचारों को वोल्टेयर ने जो है ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर, सुपरस्टिशन पर अटैक किया, और इसने सुप्रीमेसी ऑफ रीजन यानी कि क्रिटिकल रीजन, लॉजिक की बात करी. ही स्टूड फॉर रिलीजियस टॉलरेशन. ही स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड द करप्शन इन द चर्च. ही स्टूड फॉर ए बेनिवोलेंट डेस्पोटिज, राइट, ठीक है. रूसो वॉज द ऑथर ऑफ फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, विच वॉज कंसिडर्ड द बाइबल ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. ही सेड दैट द रियल सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल. हिज फेमस स्टेटमेंट मैन इज बॉर्न फ्री एंड इज एवरीवेयर इन चेन्स, इज दैट क्लियर टू यू, राइट. ये इलीगल ही था. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे रीजंस थे. ठीक है, तो रूसो इज कॉल्ड एज, रूसो इज कैटेगराइज्ड एज फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट. नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे और रिवोल्यूशनरी थिंकिंग्स को जो है यहाँ पर इन्होंने स्प्रेड किया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को, ठीक है. और कुछ इम्पैक्ट रहा है अमेरिकन रिवोल्यूशन का भी, ठीक है, अमेरिकन रिवोल्यूशंस. ठीक है, फ्रेंच ट्रेजरी वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लुई 16 वॉज फेस्ड विद अ सीरियस फाइनेंशियल सिचुएशन एंड देयर वॉज ऑल्सो नो अल्टरनेटिव बट टू प्रपोज न्यू टैक्सेस, ठीक है. इससे चीजें और ज्यादा खराब हो गई थी. कैसे? द मेन पर्पस क्या था? उसने समनिंग बुलाई स्टेट जनरल की, ठीक है, फ्रेश टैक्स, लेकिन इसके लिए जो है मना कर दिया, ठीक है. तो ये एक तरीके से नेशनल असेंबली क्या थी, तीनों की मिला के. द स्टेट जनरल कंसिस्टेड ऑफ 3 एस्टेट चैम्बर्स. फर्स्ट एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय नोबल्स, द सेकंड क्लर्जी एंड थर्ड बाय द कॉमन पीपल. व्हेन द किंग कॉल्ड फॉर इट्स मीटिंग ईच एस्टेट सेपरेटली, राइट. लेकिन जब नेशनल असेंबली बुलाई गई थी तो सेकंड जो है नहीं आए थे. क्यों नहीं है? फर्स्ट और सेकंड नहीं आए थे. क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे इंटरेस्ट इम्पैक्टेड होने वाले हैं. एंड द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड ए जॉइंट सिटिंग एंड वन वोट फॉर ईच मेंबर, ठीक है. इस तरीके से चीजें यहाँ पर डिस्टर्ब हुई एज द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स डिड नॉट कंसीड टू दिस डिमांड एंड देयर वाज अ डेडलॉक, राइट. 17 जून 1789 को क्या होता है, थर्ड एस्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज नेशनल असेंबली, ठीक है. उन्होंने अपने आप को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है नॉबल्स की और क्लर्जी सेक्शन की, वी आर कैपेबल. और इससे राजा अलार्म हो जाता है एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग द हॉल. बट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वेंट टू अ नियर बाई टेनिस कोर्ट और वहां पर ओथ लेते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. एंड दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेनिस कोर्ट ओथ, दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. और इस तरीके से जो है 1789 में स्पेशल सेशन होता है जिसमें थर्ड एस्टेट को इलीगल, फिर ये करने लग जाते हैं, थर्ड एस्टेट को इलीगल कर लेते हैं, ठीक है. और इसके अलावा 3 एस्टेट्स को जो है सेपरेटली मिलना चाहिए, ये ऑर्डर करते हैं कि सेपरेट सेपरेट ही मिलेंगे. लेकिन यहाँ पर थर्ड एस्टेट ने बोला कि एक साथ करो तीनों की, लेकिन उसको मना कर दिया. बाद में जो है नेशनल असेंबली जो है कंप्लीट हो जाती है, राइट. अ फॉल ऑफ बेसिले क्या था, ऑल्दो द किंग रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली ही डिसाइडेड टू सप्रेस इट, ठीक है. ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर ब्रॉट टू वर्सेलेस एंड पेरिस. नेकर द पॉपुलर मिनिस्टर वाज आल्सो डिसमिस्ड. और मॉब ने क्या किया,
पेरिस में वॉयलेंट हो गई और उन्होंने स्टेट प्रिजन जो हुआ करती थी उस टाइम पे, बेसिले जो फोर्ट कम प्रिजन हुआ करती थी उस पर अटैक कर दिया, मर्डर द गार्ड्स एंड फ्रीड द प्रिजनर्स, और इस तरीके से बेसिले का फॉल हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड फ्रांस एज ए ट्रम्प ऑफ लिबर्टी, जिसने लिबर्टी को यहाँ पर, ठीक है। और बेसिले की फॉल के बाद यहाँ पर पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स के अगेंस्ट में स्टैंड होते हैं, फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम वर एबॉलिश्ड, ठीक है। और इस तरीके से जीत होती है। और 5 अक्टूबर, ए लार्ज नंबर ऑफ वेमेन वेंट टू द किंग्स पैलेस, मेक अ पिटिशन, एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ क्वीन, एंड हेंस दे ब्रॉट विद देम द किंग, द क्वीन एंड देयर सन टू पेरिस। भाग जाते हैं लुई 16, ठीक है। और फिर जो एक नेशनल असेंबली होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है, और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड मोनार्की टू फ्रांस, ठीक है। और जज इलेक्ट होते हैं, नोबल्स का टाइटल एबॉलिश कर दिया, जुडिशरी को रिमॉडल्ड कर दिया, और जो मेथड्स ऑफ टॉर्चर थे उनको एबॉलिश कर दिया, न्यू सेंट्रल एंड लोकल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स यहाँ पर लिए गए थे। एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ था ये आपको पता ही, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, राइट। बॉबन डायनेस्टी वाज अबॉलिश्ड एंड द रिवोल्यूशन रिजेक्टेड टायरनी। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो रीजन था, द फ्रेंच रिवोल्यूशन आफ्टर वायलेंट टर्न लेड टू इमरजेंस ऑफ ए ग्रेट डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो 1799 से जो है नेपोलियन जो है यहाँ पर, फिर 1805 तक, फिर 1805 से 15 तक, उसके बाद फिर कांग्रेस ऑफ वियना होता है 1815 में, कांग्रेस ऑफ वियना पढ़ाऊंगी, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली होता है, किस तरीके से द इंटरनेशनल बाउंड्रीज वर रिड्रॉन, इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ड्रेस्टिक एक्शंस वर टेकन प्लेस। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन मैसेज मी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। 8 बजे फिर से क्लास होगी हमारी, ठीक है। तो 8 बजे अब क्लास में आना, थैंक यू सो मच। बाकी बचा हुआ पार्ट कल करेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे कांग्रेस ऑफ वियना से कल से स्टार्ट करेंगे।